रास्ते की है। रास्ते के मतलब ये कम से कम सदियों पुरानी रोड है, जिसको दबंग लोगों ने, लटन हुसैन वगैरह कभी दबंग लोगों ने रास्ते को बंद करने का आदेश करवाया प्रशासन से मिल करके। प्रशासन भी पैसा लेने के बावजूद इन लोगों की रास्ता बंद करवा दिया। इनका कहना है कि हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आदेश प्रार्थना पत्र पेश करना चाहता हूं कि हमारी समस्या को समाधान करें। आप लोगों को भाई साहब, आप विकलांग है, कहाँ से है, क्या नाम है, आप बताइए। वहीद अहमद है, हम हकीमपुरा में रहते हैं। हमारा रास्ता नहीं है जी, मुझको रास्ता चाहिए। योगी जी से मेरी ये अपील है कि मुझे रास्ता चाहिए। रास्ता कितने देर से, कितने दिनों से दबंग लोगों ने बंद करके रखा है? कम से कम 10-20 साल से है वो। 20 साल पुरानी रास्ता है जिसको दबंग लोगों ने बंद करके रखा है। बंद रखा है। इसमें आप लोगों ने प्रशासन से कुछ बातचीत किया तो प्रशासन ने क्या जवाब दिया? प्रशासन ने जवाब दिया मुझे लग रहा है झगड़ा ही करना पड़ जाएगा। पूरा गांव का रास्ता खुल जाएगा सर, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रास्ते में आके वो रास्ता जो है पुलिया ये दूसरे मिला हुआ है पहले से। अच्छा जी, अगर इधर भी रास्ता बन जाएगा तो आगे सभी को आराम मैडम दिखाइए। ट्रैक्टर जाती थी, ट्रैक्टर सब यहाँ खड़ा हुआ है, ये सब यहाँ खड़ा हुआ था। ट्रैक्टर आए थे, ये मेन दबा था, वो चन्नी अपने सामने ढाल लगवाए थे और चन्नी निकलवाए थे। वो कहना है कि हमारे रास्ता मौजूद, वो कह रहे थे ये रास्ता क्लियर कर दिया है हमने, आप लोग कोई आइए जाइए, किसी को कोई रोका नहीं जाएगा। अब जब उनके जाने के बाद में सब लोग ये कहते हैं कि निकलोगे तो ईटा मार देंगे छत पर से। कौन बोलता है ईटा मार देंगे, ये लोग बोल रहे हैं। और नाम बताइए, उनका नाम बताइए। लटन हुसैन, इसाक हुसैन, ये सभी लोग बोल रहे हैं। तो ये आपके पड़ोसी हैं? जी, ये पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी हैं। उनका भी रास्ता इसी पे है, इसी पे उनका भी रास्ता है, हमारा भी है। लेकिन हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमको इस पे रोड या खलंजा कुछ लगवाना है, कोई रास्ता में ये यही रास्ता है इनका, मेन रास्ता इसको बता रहे हैं। हम तो कर ही रहे हैं अपना काम, रास्ता ठीक है। उच्च न्यायालय में इसका क्या मामला है, उच्च न्यायालय में केस चल रहा है। आप लोग अपने अकाउंट से पैसे लाकर इस पे खलंजा लगवा लीजिए। खलंजा लगवाने कह रहे, गाँव वाले तैयार है, मिट्टी नहीं लगवा रहे तो हम लगवाने तैयार। चंदा लगवा कर अपना बनवा लीजिए, ईटा ईटा ये ईटा किस लिए लगा भैया? भाई साहब प्लीज, आपसे मैंने दो बार कह दिया वीडियो मत बनाइए। भाई साहब प्यार से कह रहा हूँ, भाई साहब प्लीज जो है मान लीजिए तो अच्छी बात है। हमने सूचित किया तब वो आके इसको साफ करवा दिए, लेकिन साफ तो करवा दिया, रास्ता तो पूरा खुला है, आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक, लेकिन फिर भी निकलने नहीं देते हैं। फिर भी निकलने नहीं देते हैं, यहाँ से जब कोई जाता है तो निकलने नहीं देते। अच्छा हाँ, अब ये देख लीजिए, आइए आगे आइए। आप लोग भाई साहब बोल सकते हैं इसके बारे में कि रोड है, रोड बननी चाहिए, रोड के लिए आप लोगों को क्या उम्मीद है, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? आप लोग अगर सरकार ने नहीं दिया तो क्या अपने अकाउंट से, अपने खर्चे से इस रोड को बनवा सकते हैं? चंदा लगा के बनवा ले, चंदा लगा के बनवा सकते हैं। आपका नाम क्या है? लाया कली, हमारा नाम यहाँ के निवासी है। उनका मोबाइल जरा बंद करवाओ, पीछे जो लड़का बना है से देखो सुमन, मेरी आईडी से हमारे लोगों का खेत है जी, इधर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक मिनट रुको, हम बता रहे हैं, अभी अभी बता रहे हैं आपको, चोरी करने है, काम करना है। पूरी नवीन भर्ती आबादी तो आपको जाए में, ये पार जाए में दिक्कत होती है ना, जा रहे हो इसे विकलांग है ना? हाँ, ये विकलांग हमारे भाई साहब हैं, हम लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। कब से रास्ता उठाना पड़ा, लोगों ने हमको रास्ते में आने जाने नहीं देते हैं, तो घूम के आप जाते होंगे, कहीं कहीं सिंजी होकर जो है ट्रैक्टर ले जाना पड़ता है। अच्छा, तो खाद वाद कैसे लगाते हैं खेत जाके? अब साइकिल पे या मोड़ पे लेके जाते हैं दूसरे रास्ते से खेत। ऐसे आए के यहाँ से गांव वाले भी, ये खेत वाले जितने लोग, अरे नाम तो बताइए भाई साहब, अपना नाम बताइए। सर मोहम्मद आसिफ नाम है, निवासी निवासी हकीमपुरवा। क्या समस्या है? ये रास्ते का समस्या है सर, इसका जो है मामला हो गया, सब साफ वाफ भी हो गया था, ये रास्ता खुला है एकदम क्लियर, लेकिन ऐसे होगी तो हिलेगा। तो तुम अपना फोन निकाल के बनाओ। हाँ बिल्कुल सही करे, हम हिला उला कर नहीं चलाएंगे।
बनाए हुए थे, देखो रास्ता है कर रहे हो तो हिलाओ ना तुम आगे खड़े आईडी लेके आगे बढ़ो ना यार आप लोग आगे बढ़िए सब लोग भीड़ को इकट्ठा जगह नमक करके हाँ समझ गए क्या वहाँ पे जब रास्ते पे गई थी तो क्या बोले थे आपने कुछ ना नहीं कहा क्या कहा इधर नजर ना दियो अच्छा इधर नजर ना दियो कि इधर से निकले हो ना इधर से इधर लोग नजर ना दियो तो बहुत मर गए अच्छा बाबू रास्ते पे जा रहे थे रास्ते निकल रही थी अच्छा अच्छा प्रधान ने किस लिए बनवाया रास्ता था तभी तो बनवाया है अब बंद है पुलिया अब ये पुलिया बंद जब यहाँ रास्ता बंद कर दिया गया तो ये पुलिया भागवती बोलो पुल से हटे सब लोग उस दिन बंद कर दिया पुल से बोलो सब लोग पुल से हटे तो खुलवा दिया लेकिन फिर भी लड़के निकल रहे हैं तो कह रहे हैं जब खड़ंजा लग जाएगा तभी जो है आइए तो खड़ंजा आप लोग खुद लगवाने के तैयार लोग लगवा रहे प्रधान नहीं लगवा रहे तो आप लोग लगवाएंगे करके लगवाएंगे ठीक है ठीक अच्छा जब इस पे खड़ंजा लग जाएगा तब आप निकलिएगा तो खड़ंजा कौन लगवाएगा खड़ंजा तो प्रधान लगवाएगा फिर उसके बाद उसके बाद क्या प्रधान सुनता नहीं अभी उसको जब कहो तो क्या खड़ंजा आप लोग लगवाने में सक्षम है चंदा करके खड़ंजा लगवाएंगे चंदा करके लेंगे अगर सरकार की जमीन है जब आपसे बताया था तब आप पकड़ नहीं रहे हो चलो चलो फोन तो नहीं आएगा बोलेंगे तो संभल लो बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे हर वक्त नहीं बोला जाता है देखिए आगे आओ ना आगे आओ आप लोग आगे जाओ आगे हो जाओ डर रहे हैं क्या किससे डर रहे हैं आप लोग भैया आप आगे पहुँच जाओ भैया यही रास्ता रोका गया अब आप लोग बताओ ये रास्ता जो है मेन रास्ता ही रास्ते में नहीं निकलने देते हैं काहे कहते रास्ता बंद है ये काहे लिए कहते रास्ता ना आइए काहे पर अच्छा आगे बढ़ो आगे एक मिनट भैया जी आप वीडियो क्यों बना रहे हैं तुम ना बना तुम लोग वो तो खुद ही दिखाई दे हैं यही पैसे चलो 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 और चलिए आगे बढ़िए ना आगे बढ़िए दिखाइए पूरी रास्ता कहाँ से कहाँ तक रास्ता और आइए आप लोग आइए भैया बताइए जहाँ जहाँ रास्ता है आओ आगे आओ भैया इधर इधर आप लोग आगे रहिए ना ये पीड़ित लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं इनका कहना है कि हमारी रास्ताएं बंद कर दिया गया है यहाँ के लोग दबंग हैं उन्होंने गांव की रास्ताएं को बंद करके जबरदस्ती के साथ सीना जोरी के साथ प्रशासन इनका कहना जनता का पीड़ित का कहना है कि प्रशासन भी रुपया लेकर के हम लोगों की रास्ता रुकवाने का कार्य कर रही है ये हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर गवाही देने के लिए आए हैं इसमें तैयार हैं सभी लोग इनका कहना है सब लोगों का कि हमारे गाँव की रास्ताएं बंद कर दिया गया है हम लोग छोटे छोटे बच्चे अगर रास्ते पे निकलते हैं तो दबंग लोगों ने उल्टी सीधी गालियां देते हैं बच्चों को मारने की धमकी भी देते हैं आप लोग रुको जाओ आप लोग आगे आओ इधर आइए कैमरे में तुम हो रहा हो ये गांव से इधर से आने का एक मिनट बोलो ये गांव से आए का रास्ता यही रहा है हाँ यही रहा है कैमरा तो घुमाओगे ये पूरा रास्ता जो है लाओ मैं पकड़ लेता हूँ ये पूरा रास्ता बिल्कुल ई पार से उस पार तक गया है तो अब जो है आप लोग का नया बजा देते हैं का है ना जाए देते हैं वादी है उमा कहा था हमारा कब्जा है उसका तो वो गांव वाले का ये गांव में ना आया हुआ था अब वो गांव वाले जब प्रबंद कर दिया था तो ऊपर घूम के जाते बाहर बाहर दूर जैसे गांव के रास्ते का निशान तो पुलिया है तो पुलिया है तो आगे और कहूँ हमारे लोग रास्ता मिले ना मिले हम लोग कहा मिले तो बना जाते निकले ना गए तो वो बगल में पुलिया खेत है सब वो पुरवा के है यही पर से बोई लेके पहले निकलता है लेकिन अब जब बंद गई जो घर बन जाता क्लियर है हाँ हाँ
कौन सी रास्ता बंद है? यही वर्क पर। किसने रास्ता बंद किया है? नाम बताइए। लड्डन हुसैन और इसाक। इसाक और लड्डन हुसैन, ये निवासी कहाँ के हैं? अब रहने वाले तो यहाँ हमारे सामने तो यहाँ हैं। हकीमपुरवा के? इनका थाना क्या लगता है? जिला बहराइच। रास्ता हमें दिखा सकती है, कौन सी रास्ता है? रास्ता यही है, सोझा हम लोग यही थे, पर से तो मना करते हैं। कौन सी रास्ता हमें दिखाइए, चलिए हमारे साथ आ जाए। आगे आ जाइए भाई साहब, जो गवाही देने के लिए आगे रास्ते पे। ये मैडम का कहना है कि यहाँ पर ये रास्ता है, ये का सब कट जाएगा सारे वीडियो भी उनके। इधर से रास्ता जो है ये गांव में मिला है, इधर के आदमी इधर से जा रहे हैं। वो आप कैसे जाते हैं जब रास्ता बंद किए हैं? घूम के जाते हैं, आप आए जैसे आप आया हो। हाँ निकल जा रहे हैं, हेलमेट निकल जा रहा है, मेन रास्ता जो है। अच्छा, ये कौन गांव है? प्रधान वही झब्बर था। अच्छा, और यहाँ का वही प्रधान, वही मौजा पूरा एक है मौजा। अब मान लो पैदल आने जाने के लिए पुलिया तक के, मतलब रास्ता जो है यही पुलिया मेन वो है बीच में। पैदल आने जाने के लिए तो तमाम से रास्ते हैं। मान लीजिए से कोई बड़ा ट्रैक्टर लाना है, या कोई लड़िया लेके आना है, या कोई काम काज वाला आइटम लेके आना है, तो बाकी पैदल आना है तो हम मेरी पर चले। पानी भर जा रहा है, रास्ता है, पानी हम लोग अब का बंद कर रहे हैं। अच्छा,